हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में पॉलीमर चैप्टर के कुछ टॉपिक देखे थे जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। आज उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पॉलीमर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, केवल जो है वही आपको कराया जाएंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। विच इज द मोनोमर ऑफ न्यूप्रीन इन द फॉलोइंग। न्यूप्रीन इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए, न्यूप्रीन के लिए हमने बताया था कि न्यूप्रीन जो है सिंथेटिक रबर है, ठीक है। एक आपका जो है नेचुरल रबर था और एक सिंथेटिक रबर था, ठीक है। तो यहाँ पे जब CH3 लगा था किस पे, ब्यूटाडाइन में, यानी कि 1 2 3 4 1 2 पे ये CH3 ग्रुप लगा हुआ था, तो उसको हम जो है आइसोप्रीन बोल रहे थे। जब यहाँ CL से रिप्लेस हो रहा था उसको न्यूप्रीन बोलते। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नायलॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन इज ए एग्जांपल ऑफ। देखिए, नायलॉन के हमने तीन एग्जांपल पढ़े थे, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 6, नायलॉन 6 10 पढ़े थे, ठीक है। नायलॉन 6 6 में हमने बात किया था कि 6 कार्बन का जो है डाई कार्बोक्लिक एसिड होगा और 6 कार्बन का जो है डाइएमीन होगा, ठीक है। डाई कार्बोक्लिक एसिड जब भी जो है ये था प्लस ये अमीन से जुड़ता था तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एन का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है नायलॉन इज एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ से क्या हो जाए, एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा तो पॉलीमाइड हो जाएगा आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया था कि कंडेंसेशन क्या होता है और एडिशन पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। एडिशन को हमने बोला था कि जब भी दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहे हैं वहां से कोई भी स्मॉल एलिमिनेशन नहीं होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं निकलेंगे, लेकिन जो है जो कंडेंसेशन पॉलीमर था उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, इलिमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो हमें एडिशन पॉलीमर इसमें ढूंढना। देखिए, टेरिलीन हमने बताया था, टेरिलीन टेरिथेलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकॉल, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नायलॉन 6 6 है, ये भी हमने डिस्कस किया, दो कंपाउंड मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। डैक्रॉन किसका नाम है, टेरिलीन का नाम होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से न्यूप्रीन, यानी कि अभी हमने देखा ये इसी का जो है पॉलीमर फॉर्म में जो है बनता है, न्यूप्रीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये तो क्या है, टेफ्लॉन। इसका पॉलीमर क्या बना, टेफ्लॉन इज ए मोनोमर ऑफ। देखिए, टेफ्लॉन आंसर किया हुआ है, ल्यूना नेक्स्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर टेफ्लॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नायलॉन 6 6 इज ए पॉलीमाइड ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ। देखिए, नायलॉन 6 6 यानी 6 कार्बन का हमको डाई कार्बोक्लिक एसिड ढूंढना है, 6 कार्बन का हमको डाई अमीन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन, 1 5, 1 6 कार्बन, और यानी देखिए यहाँ पे C6H4 है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया कि बेंजीन जो हो गया, बेंजीन से पैरा पोजीशन पे जो है NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, C double O CH2 whole 4 C double O, यानी कि यहाँ पे 1 कार्बन, 4, 1 5, 1 6 कार्बन दिया हुआ है, 6 कार्बन हो सकता है, और यहाँ पे 6 कार्बन, यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नायलॉन 6 6 का, ठीक है। पिछला वीडियो अगर आप देख के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि सारा हमने हिंट बताया हुआ कि कैसे जो है आपको एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर। देखिए, अभी हमने सिंथेटिक रबर की बात की थी, नियोप्रीन, ठीक है। तो नेचुरल रबर आइसोप्रीन होता है, जब ये CH3 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा, तो आइसोप्रीन हमारा क्या हो गया, ये नेचुरल रबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, NaCH2O6 NaCO CH2O4CoN इज ए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कोपॉलीमर है कि एडिशन पॉलीमर है कि थर्मोसेटिंग है कि होमोपॉलीमर है, ठीक है, ये क्या है। तो देखिए, आपने डेफिनेशन पढ़ा था पॉलीमर का, कि पॉलीमर जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर दो टाइप के होते, होमोपॉलीमर और क्या कोपॉलीमर। होमो कब होता है, जब जो है सेम जो है मॉलिक्यूल, जैसे एथिलीन का हमने एग्जांपल बताया था कि एथिलीन के ढेर सारे यूनिट क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि ये एक यूनिट ये है और एक यूनिट जो है ये है, ठीक है, दो यूनिट इसके कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। दो यूनिट होंगे तो होमो नहीं होगा, ये क्या होगा, कोपॉलीमर होगा, ठीक है। यहाँ पे होमो कट गया आंसर, थर्मोसेटिंग
कट गया और एडिशन पॉलीमर जो है कट गया। अच्छा एडिशन ये हो सकता था जब यहां से कोई मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये, ठीक है। विच वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर। देखिये पॉलिस्टर बोल रहा है, ठीक है, पॉलिएस्टर पॉलीमर। नायलॉन 6x अभी हमने जो है पढ़ा कि ये क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है, ठीक है। अब टेरिलीन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, टेरिलीन हो सकता है, देखते हैं। पीवीसी नहीं होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, आइसोप्रीन नेचुरल रबर है, ये नहीं होगा, ठीक है, टेरिलीन ऑप्शन हो जाएगा। देखिए टेरिलीन को हमने बताया था कि टेरिथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए यहाँ पे टेरिथैलिक एसिड कैसे बनाते थे कि बेंजीन रिंग है तो CH2OH दोनों तरफ यहाँ पे पैरा पोजिशन पे जुड़ रहे हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल OH CH2 OH, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है। जब H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, COO बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब भी COO बॉन्ड आएगा तो ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा और ढेर सारे जो एस्टर होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, यानी टेरिलीन आपका जो है आंसर हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवेन, विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड, ठीक है। देखिए इसको ट्राई करके आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन, यानी कुछ पॉलीमर के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपका, इसमें से जो है विच वन इज नॉट करेक्टेड, कौन सा करेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए टेफ्लॉन आपने पढ़ा हुआ है कि टेफ्लॉन जो है ये किसका पॉलीमर होता है, टेफ्लॉन किसका पॉलीमर होता है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 फ्लोरिन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये नहीं होगा, ये करेक्ट स्ट्रक्चर, यानी ये नहीं होगा। दूसरा विच वन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूओप्रीन आपने पढ़ा था क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है, सिंथेटिक रबड़ है, और यहाँ 1,3-butadiene होता था, यानी कि जो पॉलीमर है किसका, न्यूओप्रीन जो पॉलीमर है वो किसका है, 1,3-butadiene है, और यानी कि 2 पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो 5 कार्बन है, ठीक है, और होता क्या है, 4 कार्बन के क्या होने पॉलीमर होने चाहिए, ठीक है। यार हमारा आंसर हो जाएगा न्यूप्रेन, ठीक है। बाकी इसको चेक करिएगा, टेरिलीन क्या है, टेरिफेनिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल के। नायलॉन 6 क्या है, 6 कार्बन कार्बोक्लिक एसिड है और जो है 6 कार्बन डाइमीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये नायलॉन 6 का फंक्शन करता है, ठीक है। कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ।